सुभान भाग क्या यार, इंक्यूबेटर भी तो देख यार भाई, डक का ना बीबी आया हुआ है। है मामू सच्ची में? हाँ तो देख तो सही जल्दी यार, देख तो सही यार। देखता हूँ देखता हूँ। हाँ, वो बैठा है। यार हमने काफी दिन पहले ना माय ड्रीम ड्रेस का ना एक अंडा रखा था, वो आज अंडे में से बच्चा निकल आया है। मामू ऊपर है, अब उसे बुलाते हैं। यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारे माय ड्रीम ड्रेस का बेबी आ गया। मैं वलीद भाई को बुलाता हूँ। वलीद भाई इधर आओ, इधर आओ। यार यहाँ क्या कर रहे हो? यार राहुल काफी दिनों से अंदर था। अच्छा, तो अभी मैंने इसको निकाला है, उससे थोड़ी सी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ हाथ पे बिठाने की। वैसे ये बहुत प्यारा लग रहा है आपके हैंड पे बैठा हुआ। अच्छा हाँ, वलीद भाई अभी से छोड़ दो क्योंकि मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या बात है, बता दे यार जल्दी कर। यार माय ड्रीम ड्रग्स का बेबी निकल आया है। नो करो। हाँ जी, मैं ड्रीम ड्रग यार, माय ड्रीम नहीं होती, मैं ड्रीम होती है। हाँ यार मैं भूल गया था, उसका बेबी आ गया। वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा है, अभी अभी थोड़ी देर पहले निकला है, मुझे मामू ने बताया। हाँ जी, मैं देखता हूँ, पहले इसको रख देते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो यार सुभान ने अभी अभी मुझे ऊपर आके बताया मैंड्रीन डक का ना बेबी निकल चुका है, तो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा क्योंकि काफी, मैं तो समझता था अंडा भी खराब है, काफी दिन हो गया निकल नहीं रहा, तो अब जाके देखते हैं। और उसके बाद हमारा ये काम होगा, हम पिग ज़ू जाएंगे और दिलबर की तलाश शुरू कर देंगे, दिलबर हमें नहीं मिल रहा। और ये देखो दोस्तों बादशाह के काम देखो, ये ना मुर्गी के साथ दोस्ती लगाने गया खड़ा है, लेकिन उसका बच्चा कह रहा है तुम दूर हो जाओ मुर्गी, तो तुम बादशाह की दोस्त ना बनना, ठीक है? और यहाँ से ना हमारा छोटा छोटा प्यारा प्यारा कैट गैंग का सिपाही आ गया। तुम क्या करते हो अंदर? तुम अपनी माँ के साथ नहीं रहते? ये ना बाहर घूमता रहता है पूरा दिन। हाँ भाई मामू क्या कर रहे हो? वलीद डक का बच्चा आ गया हमारे इंक्यूबेटर में यार, मैं उसको दूध भी ला रहा था। दूध मामू, डक का बच्चा कहाँ दूध पीता है, बकरी का थोड़ी है ये। अच्छा? दाना शाना खाएंगे ना? दाना शाना खाएंगे। हाँ, तो मुझे देखने दो। अच्छा अभी दोस्तों हम देखते हैं कौन सा बच्चा है, आराम से है किधर? वो देखो यार, वो देखो यार। हाँ यार, हेलो यार, ये कितना क्यूट है। और ना यहाँ इतने सारे पैरट के अंडे पड़े हैं, इसमें से तो कोई बच्चा नहीं निकला, बट ये निकल आया है। इधर आ भाई, तू है कैसा मामू? ये तो मरने वाला है। नहीं यार, रीत मैंने दूध पिलाया यार इसको। यार इसको, इसके ये कलर कैसे हुआ पड़ा है, पता नहीं क्या हुआ इसको, मुझे तो नहीं पता। इसके ऊपर अजीब अजीब कलर है, इसको ऊपर ले चलते हैं फिर देखते हैं। देख हाँ, ये देखो ये दुम इसकी ग्रीन है और पर इसके रेड है। यार मैं एक बात बताऊं दोस्तों, मैन ड्रीम ड्रग का जो बच्चा है ना वो इस तरह नहीं होता वैसे, क्योंकि मैंने देखा है सर्च किया, ये नहीं होता। नहीं ऐसे होता यार, ऐसे होता है। मैं यार अभी इसको ना ऊपर लेके जा रहा हूँ, अब इसको तसल्ली से देखते हैं। यार नहीं है यार सुभान जी, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये मैंड्रीन डक का बच्चा नहीं है। यार वैसे कलर देखो ना इसके, देखो ऐसे तो कोई डक्स के अंदर कलर नहीं है, पता नहीं यार कोई, मुझे लगता है यार। सही बताऊं? हाँ। ये मामू ने इंक्यूबेटर में रखा है, सुबह सवेरे से कह रहे थे ना हमें। हाँ यार ये लग मामू ने ना इंक्यूबेटर में कोई बाहर से लेके कलर कूलर करके ना वो रख दिया है। हाँ ये देखो मेरे हाथ को भी लग गया है ना। हाँ ये देखो, धोखा धोखा यार, मामू ने धोखा दोबारा कर दिया। किधर है मामू? बुला 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 मामू, आओ मामू आ जाओ। हाँ क्या हो गया यार? अब मैं मामू से पूछता हूँ। हाँ। ये मैंड्रीन डक का बच्चा लग नहीं रहा, ये कहाँ से आया, क्योंकि मामू ने हमें सुबह सर्वे सरप्राइज दिया है। यार मामू मैंने अभी से हाथ लगाया, मेरे हाथों को भी कलर लगा है यार, निकल ही नहीं रहा था। मैं क्या करता, मैंने जबरदस्ती और अंडा तोड़ के रख दिया मैंने यार। हाँ आप समझ आई ना। हाँ। अंडे में से बच्चा नहीं निकल रहा था, तो मामू ने क्या किया, मार्केट से लेके रख दिया और इसको मैंड्रीन डक का बच्चा बना दिया यार। तो आपको सरप्राइज दिया था यार। यार मामू ने हमें सरप्राइज दिया, वो भी फेक वाला, इस तरह ना किया करो मामू। यार हम ना इसी वजह से ना मामू को भी लोग में नहीं रखते, इनकी हरकतों की वजह। देखो अब ये हमारे साथ स्कैम कर रहे थे यार, मेरे से गलती हो जाती, भोला हूं ना यार, मैं क्या करूं यार। वैसे इसके साथ ना थोड़ा मेरा दिल लग गया क्योंकि इतना क्यूट मैंने पहली दफा देखा है, इस कलरफुल इतना, क्योंकि मैंड्रीन डक का ओरिजिनल बच्चा भी इस तरह नहीं होता। और यहाँ हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, क्या हाल है, ठीक है आप? आपके लिए मिलने आया, बिग फैन। अच्छा यार ये मेरा छोटा सा फैन है, और क्यूट है, क्यूट मेरी तरह क्यूट है। हाँ सुभान क्या अपडेट है सुपर केज की? यार ये देखो अंदर, देखो हलचल हो रही है, माशाल्लाह। देखो दोस्तों अंदर ना दिल धड़क रहा है बच्चे का, पैरट के अंडे के अंदर कैसे, और बहुत सारे बच्चे हैं, एक तो आज कल में आ भी जाएगा भाई। इसको अंदर रख दे, हाथ ना लगाइए ना वो खराब हो जाए। अभी हम जा रहे हैं बिग ज़ू और वहाँ दिलबर की तलाश शुरू कर देंगे। मामू हाँ, अगर आपको पता है तो बता दो यार। यार मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता यार, यकीन कर मैं ना 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 कटो ना कटो
नहीं पता यार ये सच्ची मुझे। चलो यार आ जाओ हम, मैं ढूंढ लूंगा। अच्छा। और हम ना अपने चुन्नू मुन्नू को भाई क्यूट क्यूट से इसको गोलू मोलू को लेके जा रहे हैं। हाँ। इसको पूल में छोड़ेंगे यार, बहुत प्यारा है। हम ना जल्दी से ना दिलबर की तलाश शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारा बिग जू है ना सूना सूना है, अंदर कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब, यार दोस्तों जो सामने आप देख रहे हो ना फार्म, वो तो बन भी चुकी है। हम दोस्तों कल आए थे और बन रहे थे, मुझे लगता है आज कंप्लीट कर दिया भाई ने। ये छत है पड़ी गोल गोल और ये सारे बांस लगे हुए हैं। नहीं चलो टूट जाएंगे। मामू एक बात सुनो, इधर आओ। यार मैंने तो इस तरह डिजाइन नहीं दिया था बनाने का। फिर वो क्यों ऐसे बना के चला गया यार? यार दोस्तों मुझे तो पसंद नहीं आ रहा, सही बताऊं, क्योंकि मैंने आगे कुछ और लगवाना था तो ये मुझे जल्दी में बना के चला गया। हमने इसको चेंज कराना है। चलो ये तो वैसे तो बन गए हैं, इसके अंदर अब हॉर्स बेबी खड़ा हो सकता है, कल हम हॉर्स बेबी ले आएंगे। रेड वाला ना, आई लव यू, क्योंकि मैंने बोला था जब ये बन जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम इसको चेंज करवाएंगे, मुझे वैसे इतने खास पसंद नहीं आ रहे। ओए सुभान, हां जी, पीछे देख क्या कमरे के अंदर, ओए दिलबर आया खड़ा है। दिलबर कहां से आया? मुझे तो नहीं पता यार, यार ये कहां से आया? मामू के फिलहाल में और क्या। हाँ मामू चुप कर, चाबी एक चाबी दोस्तों बिग जू की मामू के पास होती है। देखो चुप करके ना छुप के चले गए। जल्दी से जल्दी ना डक बेबी को छोड़ो, फिर हम दिलबर को देखते हैं। ओ यार मुझे जल्दी पड़ गई, दिलबर सामने खड़ा मिलता हूँ। यार मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि हमारा दिलबर हमारे पास आ गया है। सुभान पहले मैं ऐसा करता हूँ, डक बेबी को छोड़ता हूँ, ठीक है? ठीक है। इसको पूल पसंद आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, लाजमी आएगा, क्योंकि इतना बड़ा जो पूल है। वो देखो यार कितने मजे से तैर रही है यार, कितना प्यार है। सुभान मैं तो कहता हूँ यार इसके साथ ही भी ले आते हैं, अकेला मर ना जाए। हाँ बहुत सारे ले आने हैं, ये देखो। ओ ये तैरता रहा यार, दिलबर से मिलते हैं। आ जाओ, मामू भी अंदर ही गए हुए हैं। मामू रूम के अंदर घुस गए हैं। वो देखो यार हमारा दिलबर यार कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा मामू किधर गए हैं यार? मामू को छोड़ा, हमने दिलबर से मिलना, मामू को क्या करेंगे? ओ दिलबर ये भी रो रहा है, देखो आपसे दूर था ना। असल में ये इसी वजह से रो रहा है, इसका ना पार्टनर नहीं आ रहा। दोस्तों कल हम इंशाल्लाह इसका पार्टनर बेबी हॉर्स ले आएंगे उसके साथ, और वो भी रेड और व्हाइट वाला। हाँ वही जो बात हुई थी। हाँ मामू नजर नहीं आ रहे। सुभान मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ, मामू किधर है? मामू मैं मामू को ढूंढता हूँ यार। यार बलीन भाई मामू इधर कहाँ होंगे? तुझे पता नहीं है मामू छोटी छोटी जगहों में घुस जाते हैं चूहे की तरह, अजीब है ना वो। ये चीज देखो ये। हाँ बॉक्स में देखते हैं। हाँ। देखो यार छुपे बैठे हैं हमसे यार, बॉक्स के अंदर घुस गए हैं। इनको डर लग गया ना वलीदा मुझे कुछ बोले ना, क्योंकि दिल भर इन्हीं की वजह से गुम था। कुछ किया नहीं, मैं भोला हूँ, मैं कुछ किया नहीं मैंने। यार मामू अपने आप को भोला कहते हैं लेकिन पत्थर के गोले हैं। शुक्र है यार हमारे सब पेट्स हमारे पास वापसी आ चुकी हैं, और मैं दिलबर को गुड न्यूज दे ही देता हूँ, कल इसका दोस्त भी आ जाएगा। दिलबर कल आपका दोस्त आ जाएगा? अच्छा अच्छा ना रो यार, इस वाले फार्म में ना सबसे पहले आने का हक सिर्फ और सिर्फ दिलबर का है। दिलबर डर क्यों रहा है तू? ओ गया दिलबर गया। ओ फाइनली फाइनली दोस्तों हमारे फार्म में सबसे पहला एनिमल आ चुका है, वो है हमारा ही दिलबर। इसी का हक था दिलबर। हाँ यार वलीद और भी इसका यार साफ पार्टनर लेके आना यार। हाँ मैंने बोल दिया है, कल दोस्तों इसका पार्टनर भी इसी फार्म में आपको नजर आएगा, और कितना अच्छा लगेगा इसके साथ जब खेलेगा खड़ेगा। मैं भी फार्म के अंदर जाके देखता हूँ ना, हमारा भी हक है। सुभान इसको बांधो ना, ओपन छोड़ दो। अच्छा हाँ गलती है यार, इतना बड़ा खुला फार्म है, यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा ना कर। निकालो यार मामू फंस गया। मामू फंस गया है, निकलो यार मामू की हरकतों की वजह से ना फंस गया। रुको रुको रुको, छोड़ दे छोड़ दे, इस तरह टेरा कर गिरा दे, कुछ नहीं होता, गिरा दे। बहुत बड़ा टप है यार, गिरा दे। ओ बस चला, पीछे से खींच ले, टप खींच ले बस। इसको भी मैं सीधा कर दो, इसके अंदर फंस गए थे। और मैं ना पूल में अभी देखने आया, हमारा बेबी डक गुम है पता नहीं कहाँ चला गया। वो देखो उसके काम देखो साहब जी, पूल से निकल के लकड़ियों के नीचे जाके छुप के बैठ गए हैं। मुझे लगता है इसको ना ठंड लग रही है। अच्छा इधर आओ
कहाँ तुम भागे जा रहे हो हैं? अब यार बिग जू में खुशखबरियां आने वाली हैं, खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, क्योंकि हम न्यू एनिमल्स भी लेके आएंगे और दूसरा घास भी बड़ा हो रहा है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो रहा है घास। और फिर आप मुझे वो गाड़ी व्हाइट वाली ले दो ना यार, सिविक होंडा। हाँ यार, हम कल गाड़ी लेने गए थे और काफी सारे आईफोन ले आए थे। मामू का भी आईफोन ले आए थे। कौन मेरा आईफोन ले आया? मुझे रबर वाला मोबाइल पकड़ा दिया यार तुम लोग। यार हाँ, वो भी लोग दूसरे चैनल पे अपलोड हो गया है, तासीब बलीद उसका नाम है। आपने वो लाजमी जाके ना उसको सब्सक्राइब भी करना है और पूरा व्लॉग देखना है, ताकि हम उस चैनल पे भी डेली व्लॉग डालें और मजा आएगा आपको, बड़ा मजा आएगा, जाके देखो। आई होप कि आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लाल बटन दबाओ, जल्दी करो। मैं मम्मा को कह दूंगा, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।